आप हमें कहाँ लेकर जा रही हैं? अरे वही तो सरप्राइज है अभिमन्यु बेटा, थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। सरप्राइज। एलियन रिसर्च सेंटर। क्यों हो गए ना आप हैरान? हैरान से ज्यादा मैं परेशान हूँ। लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आज मिस्टर घोटाला का स्टैचू अनवेल होगा, तो मैंने सोचा तुम्हें और तुम्हारे पापा को भी इस फंक्शन में ले आऊं। मिस्टर घोटाला आप दोनों को देखकर फूले नहीं समाएंगे। मिस्टर घोटाला फूले नहीं समाएंगे और मेरी तो अभी से सांस फूल रही है। एलियन रिसर्च सेंटर तो बनाया ही इसलिए है ताकि एलियंस का पर्दाफाश हो सके। डोंट वरी पापा, हम एलियंस हमेशा पर्दे के पीछे और दुनिया से आगे रहेंगे। आप दोनों यही इंतजार कीजिए, मैं मिस्टर घोटाला को बुलाकर लाती हूँ। पापा चलिए, तब तक एग्जीबिशन देख लेते हैं। एलियन ट्रैप, वो देखो बजूका गन। कब से इसे देखने की ख्वाहिश थी। एलियन बजूका गन इनके पास कहाँ से आई? ये गन तो आज तक मैंने भी नहीं चलाई है। और चलाना भी मत, ये एलियन रिसर्च सेंटर है, यहाँ हर कोई एलियंस के खिलाफ होता है। अरे अभिमन्यु एक बार तो चला के देखूंगा मैं। अरे पापा ये आपने क्या कर दिया? की नहीं है। अरे नहीं, मुझे शौक लगा। शौक नहीं, सरप्राइज। आएगा, तुमने तो मेरा दिन ही बना दिया। इसी बात पर एक बार हाथ तो मिला लो। नो, पापा ये आपने क्या किया? आपने घोटाला अंकल का स्टैचू अनवील होने से पहले आपने ही उन्हें स्टैचू बना दिया, वो भी आंटी के सामने। अच्छा मजा कर लेते हो। नो, स्टैचू बन गए। अच्छा हमें थोड़ा काम है, आप दोनों रिसर्च सेंटर की सैर कीजिए। हम अभी आते हैं। मेरे हाथ क्या पावरलेस हो गए? आपके टच करने पर भी घोटाला अंकल स्टैचू नहीं बने, आखिर ये क्या इशू है? कहीं मेरी एलियन पावर चली तो नहीं गई? मिस्टर घोटाला, ये मिस्टर घोटाला नहीं उनका स्टैचू है जो आज अनवील होगा, लेकिन मानना पड़ेगा एकदम रियल लग रहा है, जैसे अभी बोल देगा। सच में सेम टू सेम डबल घोटाला। सच में सेम टू सेम डबल घोटाला। अरे इसमें तो सच में लाइफ आ गई, ये तो बोल पड़ा। अरे ये तो हमारी तरफ भी आ रहे हैं। अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? सेम टू सेम डबल घोटाला। पापा लगता है एलियन बजूका गन करंट के लगने की वजह से आपकी पावर रिवर्स हो गई है। पहले आपके टच से लिविंग बींग स्टैचू बन जाते थे, अब स्टैचूज लिविंग बीन बन रहे हैं। पापा संभाल के। लगता है इसमें कुछ एलियन पावर्स भी आ गई हैं। पापा जल्दी अपने सनग्लासेस दो। अभिमन्यु ये एलियन बनने का सही टाइम नहीं है। यही सही टाइम है अभिमन्यु को मैदान में उतरने का। अब ये आंखों से गोली नहीं मारेंगे एलियन की तरह। अभी अखियों से गोली नहीं मारेंगे एलियन की तरह। एलियन एलियन विलियन कुछ नहीं होता, ये सपना मन का वहम है। एलियन विलियन कुछ नहीं होता, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। एलियन विलियन कुछ नहीं होता। हाँ एकदम सही कहा, एलियन विलियन कुछ नहीं होता। एक बार फिर से कहिए, एलियन विलियन कुछ नहीं होता। एलियन विलियन। बाप रे।
बाप रे, एलियन भी एलियन कुछ नहीं होता। पापा अब हमें आपकी पावर ठीक करके इस फेक घोटाला को स्टैचू बनाना होगा, वरना दो दो घोटाला के चक्कर में डबल घोटाला हो जाएगा। ये कोई नया वीडियो गेम है क्या? नहीं, जो गेम आपने बिगाड़ा था उसे ठीक करने का तरीका। इनमें से एक हाथ को टच करने से आपकी पावर रिस्टोर हो जाएगी। बस इतनी सी बात, ये तो बड़ा आसान है। नॉट रियली, क्योंकि हाथ तीन है और सही हाथ को चूज करने के लिए आपके पास सिर्फ दो चांस है। ये तो बहुत नाइंसाफी है। कौन सा चुनू, ये वाला? नहीं, ये वाला। यहाँ भी घोटाला, कौन सा टच करूँ? हाँ, ये वाला। हाँ, कुछ हुआ या नहीं, पता कैसे चलेगा? किसे टच करके टेस्ट करूं? इस चूहे को टच करके टेस्ट करता हूं, पावर्स रीस्टोर हुई या नहीं। गुड आइडिया। अब इस गड़बड़ घोटाला से निकलने के लिए चूहा ही सहारा है। पापा बचाओ। ये पिंडी तो चूहा मेरे पीछे पड़ गया। अभिमन्यु बचाओ, मुझसे बड़े हो, पहले मुझे बचाओ। ओफो, अरे रुक जाइए पापा। बच गया, एक मौका तो गया, अब ये लास्ट चांस है। रेड तो डेंजर का सिग्नल है, मैं ग्रीन को हाथ लगाऊंगा। कलर चूज कर लिया। यस, लिविंग मेन स्टैचू बन रहे हैं, यानी आपकी पावर रिस्टोर हो गई। मुझे पता था, मेरी चॉइस तो सही है, क्योंकि मैं गलत जगह पर हाथ डालता ही नहीं। लगता है मेर सब आ गए। ओह वेलकम मेरसा, वेलकम मेरसा। आज की स्पेशल फंक्शन में आपका स्वागत है। आप जैसे लोगों की वजह से हम एलियंस पर रिसर्च कर पा रहे हैं। हम है शहर के मेयर, करते हैं सबकी केयर। वैसे सर, आप एलियन रिसर्च के लिए डोनेशन तो देंगे ना? हाँ हाँ, अगर तुम इतनी रिसर्च कर ही रहे हो तो हम भी पीछे क्यों रहे। सर थैंक यू। आप बस चेक तैयार रखिए, मैं अभी आया। इतने सारे लोगों में से मिस्टर घोटाला को कैसे ढूंढे? अच्छा, तो ये नकली मिस्टर घोटाला यहाँ पर है। पापा जल्दी करो, उनके पीछे जाओ। जब किसी को बनाना हो स्टैचू तो नवीन सॉल्व करता है वो इशू। अब पापा कुछ गड़बड़ ना करे बस। बाप रे, फेक घोटाला अंकल। ये लो घोटाला, तुम्हारा डोनेशन। बाप रे, एलियन वे एलियन कुछ नहीं होता। अरे, और तुमने अभी तो कहा कि तुम्हें एलियंस पर रिसर्च करने के लिए पैसे चाहिए, तभी तो दे रहा हूँ। एलियंस? अरे एलियंस वेलियंस कुछ नहीं होते। एलियन वे एलियन कुछ नहीं होता। इस घोटाला की इतनी देर कि मेयर के चेक की तक नहीं की केयर। मतलब ये नकली मिस्टर घोटाला और जिसका पीछा पापा कर रहे हैं वो असली है। ओ नो, पापा को जल्दी रोकना होगा। ये तुमने क्या किया अभिमन्यु? मैं उस नकली मिस्टर घोटाला को स्टैचू बनाने ही वाला था। अगर आप उन्हें स्टैचू बनाते हो तो मुसीबत डबल नहीं ट्रिपल हो जाती है, क्योंकि वो नकली नहीं असली मिस्टर घोटाला है। हा? क्या? तो फिर नकली मिस्टर घोटाला कहाँ है? आज जाने माने रिसर्चर मिस्टर घोटाला का स्टैचू अनवेल होने जा रहा है, उनके लिए जोरदार तालियां।
एलियन वेलियन कुछ नहीं होता, एलियन बस मन का वहम है। वो रही फेक घोटाला अंकल। अब इसको बनाकर स्टैचू हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा ये इशू। अरे अब ये तीसरा घोटाला मिसेस घोटाला भी आ गई। एलियन वेलियन कुछ नहीं होता, एलियन बस मन का वहम है। क्या कहा आपने, एक बार फिर से कहिए। एलियन वेलियन कुछ नहीं होता। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। आखिर आपको एहसास हो ही गया कि ये एलियन वेलियन कुछ नहीं होते। वैसे आपने ये चश्मा क्यों लगा रखा है, आप तो वैसे ही बहुत हैंडसम है मिस्टर घोटाला। अब जल्दी से स्टेज पर चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आज इनके सर से एलियन का भूत उतर ही गया। पापा एक्शन टाइम। मिशन अकम्प्लिश्ड। ये कैसा स्टैचू है? अरे ये मेयर सर किधर चले? अरे मेयर सर, पता नहीं ये स्टैचू उल्टा कैसे हो गया। ये स्टैचू बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उल्टे दिमाग का। कभी कहता है कि मुझे एलियन रिसर्च के लिए डोनेशन चाहिए, और कभी कहता है कि एलियन वेलियन कुछ नहीं होता। पर मैंने ऐसा कब कहा मेयर साहब? मुझे सच में एलियन रिसर्च के लिए डोनेशन चाहिए। डोनेशन चाहिए तुम्हें? डोनेशन चाहिए, ये लो डोनेशन और करो अपनी एलियन रिसर्च। अरे मेयर साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे रुक जाइए। थैंक यू अभिमन्यु। नो सॉरी नो थैंक यू, दोस्तों के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ।